subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. ओवैसी अपनी तल्ख जुबान के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो जो बयान देते हैं वो तो बेहद सुर्खियां बटोरते हैं। वो मोदी को घेरने का एक भी मौका नहीं चूकते। इस बार उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बहाने मोदी पर तीखा हमला बोला है। उनके इन बयानों को सुनकर खास तौर पर मोदी समर्थक तो नाराज भी हो सकते हैं। असल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हिरासत को लेकर कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस बीच ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में आर्टिकल 370 बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से मोदी ने बैठकर मुलाकात की, पूरी दुनिया ने इसे देखा। अब उन्हें पीएसए के तहत हिरासत में कैसे रखा जा सकता है, वो देश के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं? जब प्रधानमंत्री को किसी से खतरा होगा तो वो क्यों उनसे मिले? वहीं इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चीख चीख कर बताया कि न उनको डिटेन किया गया है और न ही हिरासत में रखा गया है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मशरद आलम एक अलगाववादी है, वही फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो आपने दोनों को मिला दिया, दोनों को पीएसए के तहत नजरबंद किया गया है। आपको 80 साल के शख्स से डर हो रहा है, आपने फारूक अब्दुल्ला और मशरद आलम दोनों को मिला दिया। जब आपने एक 80 साल के पूर्व मुख्यमंत्री पर पीएसए लगा रखा है तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। तो इस तरह ओवैसी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजने से ओवैसी का जोश दुगुना हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने नोटिस का विरोध जरूर किया है, लेकिन ओवैसी को अभी बीजेपी की तरफ से कोई पलटवार नहीं मिला है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।